तो सब्सक्राइब कीजिए ग्लैम विद मी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, एंड ये बिल्कुल फ्री है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद मी। मैं हूँ मोनुषिता और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत अच्छा एक डिनर रेसिपी। अगर आप बंगाली है ना तो आपको तो पता है, अगर आप बंगाली नहीं है, अगर आप कभी भी कोलकाता नहीं गए हैं तो इस रेसिपी को आपको शायद पता नहीं है, पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा वाला एक रेसिपी है जो फटफट बन जाता है डिनर में। और क्या चीज़ है कि कोलकाता का जो बेस्ट एकदम स्ट्रीट फूड होता है ना, मतलब हर एक गली में आपको ये स्ट्रीट फूड ज़रूर मिलेगा, वो रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और वो क्या है मैं अभी नहीं बताऊँगी, थोड़ी देर बाद बताऊँगी। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है। तो अभी मेरा जो लंच है वो मैंने बना के रख दिया है, और मुझे अभी हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है जो इवनिंग में लेता है, उसको पैक करके दे देती हूँ मैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये टिफ़िन से ही ये जो मेरा व्लॉग है आज का वो स्टार्ट कर दूँ, ताकि आपको ये रेसिपी भी मिल जाए। सो चलिए मैं दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है लंच में। लंच पे मैंने बनाया है ये छोटा छोटा एक फिश मिलता है, बंगाली में आमूदी बोलते हैं, उसका एक कड़ी बनाया है। तो बंगाली में ना हम इसको बोलते हैं छोटो माछेर झाल या छोटो माछेर चौचोड़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं बंगाली में। और ये परवल की सब्जी है, तो ये दो चीज़ है लंच के लिए हमारा। और इधर पे मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड का टिफ़िन, जिसमें कैप्सिकम लिया है छोटा छोटा, एक टमाटर लिया है, एक मिर्च लिया है, एक अनियन लिया है, और मैं इधर पे लिया है दही एंड कर्ड एंड थोड़ा सा पानी। 4 चम्मच बड़े चम्मच मैंने सॉरी दही कर्ड दोनों एक ही चीज़ है, मतलब मैंने दही लिया है और लिया है सूजी यानी रवा, और पानी लिया है मैंने 4 बड़े चम्मच रवा यानी सूजी लिया है, 2 बड़े चम्मच कर्ड लिया है एंड 2 बड़े चम्मच पानी लिया है। सारे चीज़ों को मैंने 15 मिनट के लिए मिला के छोड़ दिया था ढक्कन लगा के, और ये अभी फूल चुका है। तो इसके अंदर मैं सारे सब्जी जो है वो चॉप करके डालूंगी, थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी, और इधर राइस भी मेरा बन गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, सारे सब्जी को मैंने काट लिया है, तो ये डाल देती हूँ इसके अंदर, डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा धनिया डालूंगी मैं। दिखता है मिक्स करने के बाद। सो मैं ब्रेड ले रही हूँ, और मैं मल्टी ग्रेन वाला जो ब्रेड है वो यूज करती हूँ, और ये मैंने एक ब्रेड के स्लाइस लिया है यहाँ पे, और ये जो मिक्सचर है कर्ड का और रवा का इसको डाल दूंगी इसके।
बोलते हैं, रवा यानी सूजी। सो रवा टोस्ट जो होता है ना, बहुत मतलब हेवी होता है, मतलब अब दो ब्रेड खाएंगे ना तो पूरा एकदम पेट भर जाता है। और क्या हुआ था कि कल मैंने फिश बनाया था, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप बंगाली हो पर अभी फिश नहीं खाते हो, फिश नहीं खाते। पर हम लोग बहुत फिश खाते हैं, पर क्या है कि फिश हम लोग छोटा वाला फिश जो है ना वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी वो छोटा वाला जो फिश होता है वो अच्छा माना जाता है। पर इधर पे छोटा वाला फिश ना हमेशा काट के नहीं देते, तो हमको मुझको मतलब घर पे आके उसको एक एक करके काटना पड़ता है, फिर एक एक करके उसको फ्राई करो, फिर इसका मतलब कड़ी बनाओ। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, इधर फिश धोऊँ, इसको काटूँ, फ्राई करूँ, वीडियो बनाऊँ, उतना होता नहीं है मुझसे। तो इसीलिए मैं कम बनाती हूँ। और बड़ा वाला जो फिश होता है, रूहू या कतला, उसका क्या होता है कि इतना बड़ा साइज़ का होता है, होल फिश हमको खरीदना पड़ता है, छोटा पीस करके नहीं देते। तो होल फिश अगर खरीदोगे ना तो 17-18 पीसेस हो जाता है, तो 2-3 दिनों तक चलता है। तो इसीलिए हमको छोटा जो फिश होता है वो ही लेना पसंद है, क्योंकि 300-400 ग्राम लेता है तो एक दिन तो अच्छे से हो जाता है, 2 दिन खाना नहीं पड़ता है। और कल क्या हुआ था, मैंने कल ही फिश और परवल बनाया था, पर कल रात को ना हमने सोचा कि कल रात को भी हम फिश ही खाएंगे, पर कल रात को सोनी भाभी नीचे कर्ड सैंडविच बनाई थी तो हम दोनों को दिया था, तो वो खा के पेट पूरा भर गया, तो हम लोग खा नहीं पाए और कुछ रात को डिनर में, तो इसीलिए वो बच गया था। तो अभी सुबह को मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा और रेसिपी भी मैं नहीं शेयर कर पाई। पर डोंट वरी, मैं अगर किसी दिन फिश बनाऊंगी नेक्स्ट तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और ठीक है, तो हम लोग अभी लंच खाते हैं, मेरे हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, वो चला जाएगा, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। सो हस्बैंड तो चले गए हैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रूट मतलब काट के रखा था, पामा करना यानी बंगाली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनार, बांग्ला कीजिए ना बोले, बेदाना, राइट, बंगाली में बेदाना बोलता है। तो वो खाया हम लोगों ने, मैं काट के रख दिया था, मेरे हस्बैंड ने खा लिया था और मैं वो जाने के बाद खा लिया। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम था, तो अभी 5:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे तो सब लोग स्नैक्स वगैरह खाते हैं। एक्चुअली ये तो हमारा जो मैं बनाऊंगी स्पेशल वाला वो स्नैक्स है। स्नैक्स हम बहुत ज़्यादा हेवी सा खा लेते हैं कभी कभी, पर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ये रात में खाएंगे। और क्योंकि मैं तो स्नैक्स में थोड़ा सा रवा टोस्ट लूँगी, आपको दिखाया, और मैं अंजलि के लिए 2 बना के अभी स्नैक्स में उन लोगों को दे के आऊँगी, क्योंकि अंजलि का एक बर्तन था छोटा वाला प्लेट था, उसने डोसा बना के दिया था, बहुत अच्छा बनाया था डोसा, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। सो मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा दूंगी जो बंगाली का स्पेशल हो, और पर्दा जो है उड़ उड़ के आ रहा है मेरे मुंह पे। सो बंगाली का स्पेशल, मैंने उसको पूछा कि तुमने कभी एग रोल खाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने एग रोल नहीं खाया, तो मैंने सोचा ठीक है मैं एग रोल बना के दे के आती हूँ, शाम के टाइम पे दूंगी, मैं कल ही सोच लिया था कि मैं दूंगी, तो चलिए मैं बनाती हूँ उसके बाद उसको दे के आती हूँ। सो मैं सस्पेंस रखे जा रही हूँ, आप लोगों को बता ही नहीं रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी स्पेशल, और वो स्पेशल डिश है एग रोल। यस, और एग रोल जो है ना वो अलग होता है हम लोगों का, मतलब पराठा एंड एग को एक साथ नहीं बनाते हम लोग, पहले पराठा थोड़ा सा बना लेते हैं, उसके बाद ऑमलेट काइंड ऑफ बनाते हैं, उसके बाद पराठा के साथ। मैं दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ, मैं समझा नहीं सकती। सो यस, दैट इज़ द डिश, एग रोल। तो मैंने तैयारी कर लिया है, जैसे मैंने मैदा का जो डो है वो बना के रख दिया है ऑलरेडी, और मैदा का डो जो है वो बना के हमेशा ढक के रखिए। मैं आपको दिखाने के लिए इसका जो ढक्कन है उसको हटा के ऐसे दिखा रही हूँ। तो मैं 5 एग रोल बनाऊँगी, तो इसके लिए ये सफिशियंट होगा, थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं जो गोला है वो बनाऊँगी। इधर लिया है मैंने हरी मिर्च और लेमन, और कुछ पीनट्स लिया है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्यूकम्बर जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है, अनियन, अंडा और टिश्यू पेपर। अंडा और लगेंगे, पर अभी मैं 2 बना के आपको दिखाती हूँ। तो मैदा से मैंने बड़ा बड़ा करके 2 रोटियाँ बनाई है, और इसको बस हल्का सा मैं सेक लूँगी पहले, उसके बाद हम रोल बनाएंगे। थोड़ा सा पहले सेक लेना है, तो इसको पहले सेक लेती हूँ, और एक मैंने ऑलरेडी सेक के रख दिया है इस तरह से,
बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा सेक लेना है। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं, फैला लूंगी ऑयल को। और इसके अंदर डाल दूंगी अंडा। और इसके ऊपर बस डाल देनी है ऐसे पराठा को, और थोड़ा सा ऐसे फैला लीजिए ताकि चारों साइड पराठा का एक लग जाए। बस हो गया है, एक साइड को हमें 1 मिनट 1.5 मिनट तक ऐसे फ्राई करना है, और उसके बाद ऐसे उठ जाता है अंडा, और दूसरे साइड को फ्राई करना है। थोड़ा सा अगर जरूरत है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिए किनारों से। फिर से इस साइड को भी 1 से 2 मिनट पकाना है हमें। अब इस पराठा को ऐसे लेना है और उसको मतलब रैप करना है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है क्यूकम्बर, यानी बंगाली में बोलते हैं शशा, और थोड़ा सा प्याज डालूंगी। इतना तक ही आपको डालना है, थोड़ा सा गैप रखना है, नहीं तो ये नहीं रोल हो पाएगा। थोड़ा सा मैं पीनट्स डाल दूंगी जो रोस्टेड है, बस 4-5। थोड़ा सा लेमन डालनी है, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा चिली सॉस डालूंगी, चिली सॉस कम ही डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाला है चिली के पीसेस, ज्यादा तीखा हो जाएगा नहीं तो। टमाटो सॉस ज्यादा करके डाल सकते हैं आप। और अभी इसको रोल करना है इस तरह से। गरम है तो थोड़ा सा मतलब सावधानियां रखिए, और टिश्यू पेपर को लीजिए इस तरह से इसके नीचे तक, और इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखना है, और बस टिश्यू पेपर को ऐसे रोल करके इसको रैप कर देना है। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, और बस इसको ऐसे मोड़ देना है। बस हो गया, तो ये बनके तैयार हो गया है। और ये रहा अंजलि भाभी का प्लेट, तो एक रख दिया, दूसरा भी हो गया, बना के रखती हूँ। बना लिया है मैंने एक ग्रोस, तो चलिए मैं देख के आती हूँ अंजलि भाभी को। सो मैं आ गई हूँ वापस उनको देख के एग रोल। और क्या होता है कि हम लोग ना शाम के टाइम पे एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मैं अंजलि और सोनी भाभी, और बच्चे लोग खेलते हैं और हम लोग सीढ़ी में बैठते हैं। डोंट वरी, हम लोगों का जो सीढ़िया नहीं है, जो बैल्कनी है ना, बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। हमारा जो केयर टेकर है बहुत ज़्यादा केयरिंग है, दिन में 2 बार पोछा लगाती है। मतलब हम लोग कई कई बार इरिटेट हो जाते हैं उनकी इतना ज़्यादा केयर की वजह से, तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है क्योंकि उधर पे कोई आता जाता ही नहीं है, सब लोग लिपचे जाते हैं, लिपचे आते हैं। बच्चे लोग ही कभी कभी नंगे पैर, मतलब उनको जब मौका मिलता है ना, दरवाज़ा खुला मिलता है, वो भाग के सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, बस वही आते जाते हैं। तो हम लोग सीढ़ियों में बैठते हैं, ऐसे गप्पे करते हैं, कभी कभी खड़े होके भी गप्पे करते हैं। तो हो गया, वो करके आई हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, और आपको तो पता है डिनर में हम लोग क्या खाएंगे। यस, एग रोल खाएंगे। सो मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है। एग रोल बहुत ईजी है, प्लीज़ ट्राई कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।